नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस शख्स ने ऑर्डर किया 55,000 का आईफोन, हाथ आई पिंक कलर की ये चीज। मुबनी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट से 55,000 में आईफोन 8 खरीदा, लेकिन जब उसे डिलीवरी मिली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे आईफोन की जगह डिब्बे में 10 रुपए का डिटर्जेंट बार पैक कर डिलीवर कर दिया गया था। फिलहाल इस मामले में शॉपिंग वेबसाइट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला? मुंबई के रहने वाले 26 वर्षीय तबरेज महबूब नगराली का आरोप है कि उन्होंने आईफोन ऑर्डर किया था और उसने इसके लिए पूरी पेमेंट भी एडवांस में किया था। तबरेज के मुताबिक 22 जनवरी को नवी मुंबई के पास पनवेल में उसके घर पर एक पैकेट डिलीवर किया गया। पैकेट लेने के बाद तबरेज ने डिलीवरी बॉय को डिजिटल सिग्नेचर दिया और वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद तबरेज ने कुछ देर बाद बॉक्स को खोला तो उसमें पिंक रंग का कपड़े धोने का साबुन मिला। इसके बाद तबरेज ने तुरंत वेबसाइट के कस्टमर केयर सेंटर पर कॉल किया और इस मामले में कंप्लेंट दर्ज करवाई। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव ने उन्हें 25 जनवरी तक इस समस्या को सुलझाने का वादा किया था। तबरेज 29 जनवरी तक इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी फोन वेबसाइट की ओर से उनके पास नहीं आया। बार बार कॉल करने पर शॉपिंग वेबसाइट की ओर से बताया गया कि वे इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने तबरेज को शॉपिंग के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया। दर्ज हुआ धोखाधड़ी का केस। इस घटना के बाद तबरेज ने मध्य मुंबई के बायकुला पुलिस स्टेशन में शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज करवाया है। वहीं बायकुला पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविनाश शिंगटे ने बताया कि नगराली ने गुरुवार को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। फ्लिपकार्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी इस घटना की जाँच कर रही है। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।